एक सवाल ऐसा है था कि ऐसे हम सिंगापुर में जॉब ढूंढ सकते हैं और हमारे पास हम सिंगापुर में आके हमारे को ज़्यादा टाइम मिले, तो ऐसा कौन सा वीज़ा हो सकता है कि हम सिंगापुर में आए और हम यहाँ पर अपनी जॉब लीगली सर्च कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात बताने वाला हूँ कि आप अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो दो तरह से हैं, लेकिन दोनों का तरीका आपको बताऊँगा इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि आपको अगर आपके लोकल वहाँ से एजेंसी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर भी आके आप एजेंसीज जो हैं आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप यहाँ पर आकर जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, कौन से वीज़ा पर ज़्यादा रिकमेंडेशन मैं करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हो, कौन कौन से वीज़ा और ये वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pa 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 ra. Scooby Doo pa pa. तो कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि सर जॉब सर्च वीज़ा कोई सिंगापुर में होता है या हम सिंगापुर में अगर हम आ जाए तो हमारे को जॉब सर्च कैसे करनी है, हमारे को ज़्यादा टाइम मिल जाए, इस तरह से कोई वीज़ा है या नहीं है। तो देखो, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट पेज पर मेरा चैनल देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं कि हम कौन सा वीज़ा लेकर आएँ। सिंगापुर में बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाते हैं, वो है दो तरह के वीज़ा है। सबसे पहले है सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जिसे बोलते हैं, तो आपको वो होटल बुकिंग के बेसिस पर मिल सकता है, और दूसरा आपको कोई स्पॉन्सर करे तब आपको मिल सकता है वीज़ा। लेकिन इसकी जो सिंगापुर के जो टूरिस्ट वीज़ा की कॉस्ट आपका 1 महीने का होता है प्लस 1 महीना एक्सटेंड हो जाता है, तो ये कुल मिलाकर 2 महीने का वीज़ा हो जाता है। और इसकी कॉस्टिंग अगर आप होटल बुकिंग ऐसा कुछ एकोमोडेशन खर्चा वर्चा लगा के देखेंगे तो करीब 2 लाख रुपए के आसपास आपका खर्च हो जाता है। तो 2 महीने आप टूरिस्ट वीज़ा पर आके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पर आप कंपनीज में इंटरव्यू देंगे 2 महीने में। अब जो कंपनीज जो होती हैं वो 5 डेज ओपन होती है, पता नहीं किसी कंपनी के पास होगा या नहीं होगा। इसी तरह से आप एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो एजेंसीज भी आपके पास, वो भी 5 दिन वहाँ खुलती है, तो आपके पास बहुत टाइम कम है सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा पर जॉब सर्च करने के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट 60 दिन का वीज़ा होता है, आपके 12 दिन आप छुट्टी पर लगा लो, 10-12 दिन आप, तो आपको कुल मिला के 20 या 30 दिन आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में भी आपको कंपनीज में टाइम लगेगा। तो इस तरह से सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा आप जॉब के सर्च पर आप मत आइए अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, ये एक फैक्ट है, हाँ अगर आप घूमना चाहते हैं सिंगापुर में टूरिस्ट वीज़ा पर आप खूब ढंग से घूमो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी कंट्री है, साफ़ सुथरी है, इंजॉयबल है और बहुत अच्छा यहाँ का एक्सपोजर है अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो। ठीक है, जॉब सर्च वीज़ा पर टूरिस्ट वीज़ा बेकार है? नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपका ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि टूरिस्ट एक बार देख लो अगर टूरिस्ट वीजा पर आकर भी आपकी क्या माहौल है यहाँ का। अब दूसरी बात करते हैं कि चलो टूरिस्ट वीज़ा पर हम जॉब सर्च नहीं कर सकते या जॉब सर्च हमारे को बहुत कम टाइम है। अब ज़्यादा टाइम वाला वीज़ा कौन सा है? एक तो है TEP, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट फास्ट स्टेप वीज़ा, अगर आप ले लेते हो ये वीज़ा होता है 4 महीने का, 3 महीने का मिलता है प्लस 1 महीना एक्सटेंड हो जाता है, हर किसी सेक्टर्स में आपको जॉब अवेलेबल है। तो TEP वीज़ा की जो कॉस्टिंग, जो एजेंसी फीस चलती है वो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास चलती है, तो अगर आप TEP वीज़ा पर आ जाते हैं इसकी जॉब्स आराम से आपको मिल जाती है। TEP एक वीज़ा है, हर इंडस्ट्री में TEP होता है, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, पब्लिक सर्विस सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, IT सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर हो, सभी में टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास वीज़ा 3 महीने का होता है प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा, तो 4 महीने आप काम कर सकते हो अगर आप TEP वीज़ा पर अप्लाई करते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप पढ़ लेना TEP की रिक्वायरमेंट क्या है। TEP में आपको सैलरी 1500 से 1700 भी मिल जाती है
और आपकी टीईपी की जो एलिजिबिलिटीज है वो ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टीईपी पर आ रहे हैं यहाँ 4 महीने के लिए आ रहे हैं, तो 4 महीने आपके पास टाइम है टू फाइंड अनदर जॉब। और आप जब जॉब के लिए आपकी कोई और भी अदर कंपनीज आपको, अगर आप ग्रेजुएशन है एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ पर टीईपी पर सिंगापुर में 4 महीने के बाद आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो आपके लिए एस पास या एम्प्लॉयमेंट पास या वर्क परमिट आपके लिए बना के देती है। तो टीईपी की रिक्वायरमेंट है, 12वीं के लिए नहीं है। टीईपी अगर आप चाहते हो तो ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो एजेंसीज फीस वगैरह है वो 2 या 2.5 लाख चलती है, और 1700-1500 डॉलर्स मिल जाती है, और आराम से। तो कहने का मतलब, अगर आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा और टीईपी आते हैं, तो टीईपी ज़्यादा बेहतर है जॉब सर्च करने, क्योंकि 4 महीने है आपके पास, 120 दिन है, 120 दिन में आप काम भी करोगे, पैसा भी अर्न करोगे, घूम भी सकते हो लीगली, आप घूम भी सकते हो लीगली, आप काम कर सकते हो लीगली, आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो आपके पास एक अथोराइज अथॉरिटी है सिंगापुर में 4 महीने फ्रीडम काम करने की, जिस कंपनी में आपका टीईपी वीज़ा है वहाँ पर काम करो, छुट्टी वाले दिन बाहर जाओ, फ्री टाइम पर आप कंपनीज में और किसी कंपनी में इंटरव्यू दो, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से शायद आपको जॉब मिल जाए। और यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, 4 महीने हैं लगातार, वहाँ सेंड करो रिज्यूम, उनके ऑफिस में जाओ, शायद आपका काम हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो जॉब सर्च वीज़ा है वो टीईपी पे ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।